वेलकम टू टेस्टी खजाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऐशा और आज हम बनाएंगे एक इंस्टेंटली तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आज हम इसमें बनाना एग और मिल्क से बना रहे हैं जो काफ़ी इनरिच है, प्रोटीन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे दो बनाना को मैंने स्लाइस करके डाल दिया है और दो एग है उसे भी डाल देंगे। आज हम इसी में ग्राइंड करके बैटर बनाएंगे, हमें विस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हाफ कप मैं चीनी डाल रही हूँ और हाफ कप ही दूध है, लेकिन हम दूध थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहेंगे, बीच बीच में डालते रहेंगे। और यहाँ पे 1/4 teaspoon के करीब वनीला एसेंस है, इसे डाल के मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे 1.5 cup मैदा है, थोड़ा थोड़ा हम मैदे को डाल के इसे ग्राइंड करते रहेंगे। एक अच्छा सा बैटर हमें तैयार हो जाएगा हमारा, इसी में फटाफट से बन जाता है। जब भी हमें कभी देर हो रही हो या फिर बच्चों को फरमाइश हो कुछ भी खाने का, तो इस तरह से आप फटाफट से नाश्ता बना के दे सकते हैं, इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि एक अच्छा सा ये हमारा बबल्स आ जाए, एयर बबल्स आ जाए। ये देखिए हमारे जो है 10 मिनट के बाद, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा एयर बबल्स भी आ गए। हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। आपने अगर मेरी केक की रेसिपी देखी होगी तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर एयर बबल्स आ जाते हैं तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3/4 teaspoon बेकिंग पाउडर डाल के इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से एक पैन लेते हैं, पैन में घी या बटर हम डाल के स्प्रेड कर लेंगे हल्का सा, और यहाँ पे इतना बैटर डालें कि हमारा एक अच्छा सा स्पॉन्जी सा केक बने। तो यहाँ पे मैंने एक फुल चम्मच से डाल दिया है स्पून से और इसे ढक दिया है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए काफ़ी बबल्स आ गए हैं। आप देख पा रहे हैं कितना स्पॉन्जी हमारा केक बन रहा है। तो इसे मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छा घी या बटर लगाने के बाद इसे ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, ताकि एक अच्छा सा हमारा पैनकेक तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हम सारा पैनकेक बना लेंगे और इसे हम हनी के साथ सर्व करेंगे। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पैनकेक के साथ हनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।